राज, अगर हम सीजन की बात करते तो दिवाली से बड़ा कोई सीजन नहीं होता। यह एक ऐसा सीजन है जहाँ मिट्टी भी सोने के बराबर बिकती है। हाँ वो तो है, इसलिए इस सीजन में हर कोई मौके पे चौका मारता है और अपने अपने बढ़िया प्रोडक्ट को बाजार में उतारता है जिससे वो देखते देखते बिक जाए। अब ऐसा ही करती है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री, इसी से हमें अपने बेस्ट प्रोडक्ट को और बेस्ट फिल्म को मार्केट में लाती है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है, अक्षय कुमार की राम सेतु और अजय देवगन और सिद्धार्थ की फिल्म थैंक्स गॉड, अगर इनके बजट की बात करें तो बहुत बड़ा है, बड़े स्टार्स भी हैं उसमें भी कोई कमी नहीं है। अब ऑडियंस की बात करें तो उतनी ही आई जितनी साकाल के सिर पर बाल। अब कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चमन्नी कमा रही है, चमन्नी। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है रीज़न, कमेंट करके बताएं। बड़े कलाकार, बड़ा बजट, रिलीज का बेस्ट टाइमिंग, फिर भी ऑडियंस गायब, क्या है आखिर रीज़न? रीज़न नंबर वन, लैक ऑफ प्रोडक्ट। भाई सिर्फ पैकिंग नहीं चलेगी, अंदर क्या माल मसाला है वो भी जानदार होना चाहिए। आज बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म ने ऑडियंस को ग्लोबल कंटेंट का जो एक्सपोजर दिया है, अगर माल थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ऑडियंस यही कर दी है। रीज़न नंबर टू, बिग बजट शो ऑफ। जैसे ही आप अपनी फिल्म के बिग बजट का शो ऑफ करते हो तो ऑडियंस कंपेयर करने लगती हैं, भाई आपने तो बोला था 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, इतने बड़े बजट में ये क्या बना दिया, ये तो टट्टी है। इसलिए आपका बजट अपनी प्रेजेंटेशन से जस्टिफाई नहीं होता तो फिल्में और आप दोनों गिरते हैं। रीज़न नंबर तीन, छोटी दुकान मीठा पकवान, यानी कि छोटी फिल्म में बड़ा धमाका। कार्तिके 2, कांतारा और द कश्मीर फाइल्स और ऐसी लो बजट फिल्में ना बजट का शो ऑफ लेकर चलती है ना ही बड़े चेहरे लेकर, सिर्फ जनता की मौत पब्लिसिटी से ही ऐसी आग पकड़ती हैं जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। और ऑडियंस इन फिल्मों को बड़ी फिल्मों से कंपेयर करती हैं और खुद ही फिल्मों का माहौल बना देती हैं और इन फिल्मों की वेव क्रिएट कर देती हैं और वो वेव सोशल मीडिया के सारे पूरे देश में फैल जाती है और ऑडियंस अपने आप सिनेमा हॉल में पहुंच जाती है। आज आप देख लो, एक हफ्ते का टाइम हो गया थैंक्स गॉड और राम सेतु को रिलीज हुए, दूसरी तरफ कांतारा धीरे धीरे अभी भी रेस में बनी हुई है। एक तरह से देखा जाए तो एक्सपर्ट के हिसाब से इस फिल्म की कलेक्शन आज भी इन दोनों फिल्मों की कलेक्शन से ज़्यादा है। किसका? कांतारा का। इसके अलावा भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आज के हिसाब से स्मॉल बजट फिल्में अपनी इन्वेस्टमेंट से कई ज़्यादा कमा रही हैं। अब बड़ी बजट फिल्में, बड़े स्टार वाली फिल्में बस यही कर रही हैं। आपके हिसाब से रीज़न क्या हो सकता है? जो रीज़न हमने आपको बताए हैं, अगर उससे भी अलग कोई रीज़न है तो कमेंट करके बताइएगा। और ये भी कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अब मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। जय हिंद।